दोस्तों, सलमान खान की इस समय टाइगर 3 मूवी सिनेमाघरों में लगी हुई है और ये मूवी सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। वहीं आपको बता दें कि टाइगर 3 मूवी हिट की कैटेगरी में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि इसी बीच सलमान खान सर की एक और बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि दोस्तों एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रहने वाली है, जिसमें कि सलमान खान आर्मी ऑफिसर की भूमिका में नजर आने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इस मूवी का टाइटल दी बुल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान सर ने एक इंटरव्यू में इस मूवी का टाइटल दी बुल क्लियर कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस मूवी को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जाएगा। करण जौहर इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे और विष्णुवर्धन इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मूवी की शूटिंग को लेकर बड़ी अपडेट बाहर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि दी बुल मूवी की शूटिंग फरवरी 2024 से शुरू होने के लिए जा रही है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी महीने से इस मूवी की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़े लेवल पर इस मूवी को शूट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ये मूवी 2025 में ईद के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2025 में ये मूवी ईद के खास मौके पर हमें सिनेमाघरों में रिलीज होती दिख जाएगी, जो कि दोस्तों आते ही रिकॉर्ड बना देगी और सारे रिकॉर्ड तबाह करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि 2024 में सलमान खान सर की कोई भी फिल्म नहीं आने वाली है, ये अफसोस है। लेकिन दोस्तों 2025 से सलमान खान सर की असली फिल्म दी बुल आने वाली है, जो कि तबाही मचाने वाली है और सारे रिकॉर्ड तबाह कर देगी और असली ब्लॉकबस्टर होने वाली है। वैसे आप लोग दी बुल मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, प्लीज़ कमेंट।